नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर यानी कि झारखंड की कुछ खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत स्थित गोड़ा क्रीड़ा उद्यान को स्पोर्ट्स और कला के हब के रूप में विकसित करने की दिशा में विधायक सरयू राय ने पहल तेज कर दी है। शनिवार को यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन ओलंपियन हरभजन सिंह ने किया। इसमें विधायक सरयू राय के अलावा क्षेत्र के गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर विधायक सरयू राय ने बताया कि टाटा स्टील एवं उनके विधायक निधि के सौजन्य से इस परिसर को खेल के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महीने यहाँ विभिन्न प्रकार के इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की शुरुआत होगी ताकि यहाँ के युवाओं को बेहतर मंच मिले और वे खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। पूर्वी में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और ये सुविधा जमशेदपुर के सभी बच्चे उठा सकते हैं। एक खेल संरचना का निर्माण हम लोग जमशेदपुर में टाटा स्टील के प्रभाव क्षेत्र के बाहर सामाजिक सरकारी क्षेत्र में कर रहे हैं और हमारे लिए चुनौती है इसका बेहतर संचालन हो। आज बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है, कल आर्चरी के कोर्ट का उद्घाटन होगा, परसों फिर से शुरुआत होगी स्विमिंग पूल की। उसके अतिरिक्त यहाँ बगल में नेटबॉल का कोर्ट बन रहा है, उसके बगल में हैंडबॉल का कोर्ट रहेगा और इंडोर गेम के बारे में बिलियर्ड, स्नूकर, कैरम और टेबल टेनिस, इसकी भी शुरुआत इसी महीने में हो जाएगी। हमारा ये प्रयास रहा है कि खेल जगत का विस्तार हो और ये पूरा परिसर जो आकर्षक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चों के खेल का ये कार्यक्रम हो, इसलिए मैंने विधायक निधि से जो फंड हमने रिलीज किया जेएनएससी ने राजकारी एजेंसी के रूप में कार्य रूप देना आरंभ किया है और हमको उम्मीद है ये परिसर स्थायी तौर पे चलने वाले संचालित होने वाले खेल परिसर के रूप में क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित होगा। और खेल के लिए क्या क्या बनाए जाएंगे सर, हॉस्टल की बात करें? नहीं, मेरी कोशिश है जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जिला स्तर की राष्ट्रीय स्तर की प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं कराएंगे तो बड़ी जमात होती है खिलाड़ियों की जिनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीवन 24 न्यूज के साथ।